फिर चला माही का जादू। मुंबई के खिलाफ धोनी ने आखिरी ओवर में रोमांचक तरीके से जीत दिलाई। आइए नजर डालते हैं आखिरी ओवर में किस तरीके से धोनी ने हारी हुई बाजी पलट दी और चेन्नई को 3 विकेट से रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। चेन्नई को आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर ड्वेन पिटोरियस थे और उन्हें पहली ही गेंद पर नाटकट ने LBW आउट कर दिया। अब चेन्नई को 5 गेंद पर 17 रन चाहिए थे, वहीं 5वीं गेंद पर ब्रावो ने सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक थमा दी। अब गेंद 4 थी और रन 16 चाहिए थे, लेकिन धोनी ने तीसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर टीम को शानदार वापसी कराई। स्ट्रेट में छक्का लगाते ही धोनी ने अब इक्वेशन बना दी थी 3 गेंदों पर 10 रन। वहीं 4थी गेंद पर शॉर्ट बॉल पर धोनी ने शानदार पुल शॉट लगाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। अब टीम को मात्र 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर धोनी ने शानदार यॉर्कर पर डबल निकालते हुए टीम को आखिरी गेंद पर 4 रन बनाने पर ला दिया था। अब 1 गेंद पर 4 रन चाहिए थे और फिर धोनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए टीम को जीत के पार पहुंचाया। एक बार फिर से धोनी ने साबित कर दिया कि उनसे बेहतर फिनिशर कोई नहीं है। धोनी ने जिस तरीके से टीम को जीत दिलाई है वह काबिले तारीफ है। धोनी ने मात्र 13 गेंदों पर 28 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा।